आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। मैं बताता हूं आपको फ्री की रेवड़ी क्या होती है। जब आप अपने दोस्तों के हजारों हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं, ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप विदेशों की यात्रा में जाते हैं और विदेशों की यात्रा के बहाने आप अपने चंद दोस्तों के लिए वहां ठेके लेते हैं विदेशी सरकारों से, ये फ्री की रेवड़ी है। बहुत दिनों बाद एक दूसरे के आमने सामने हुए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आज जब पीएम मोदी ने केजरीवाल की मुफ्त की स्कीमों पर हमला बोला तो अरविंद केजरीवाल ने खुलकर नरेंद्र मोदी की पोल पट्टी खोल कर रख दी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल का ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। आगे हम बताएंगे कि मोदी ने फ्री के स्कीमों को लेकर क्या कुछ कहा और अरविंद केजरीवाल ने कैसे उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुल ईरम। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना उनके राजनीति पर निशाना साध दिया। मोदी ने केजरीवाल की फ्री स्कीम को मुफ्त की रेवड़ी बताते हुए इसे वोट बटोरने का कल्चर बता दिया। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी बनकर उभर रही है जो खुले तौर पर भाजपा और मोदी को खुली चुनौती दे रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल ने दिल्ली में अपने स्कीमों की वजह से भाजपा और कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर रखा है, इस बात ने सबसे ज्यादा इस देश के भाषण जीवियों को परेशान कर रखा है। और यही डर है कि कहीं गुजरात के भाजपाई किले में अरविंद केजरीवाल सेंध ना मार दे, क्योंकि गुजरात के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी और जैसे तैसे साम दाम दंड भेद के सहारे भाजपा चुनाव जीतने में सफल हो गई। लेकिन इस बार की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। कांग्रेस भी मैदान में ताल ठोक रही है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली बंपर जीत के बाद केजरीवाल का हौसला सातवें आसमान पर है और गुजरात चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण बताने के लिए काफी है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने उनकी नींद उड़ा रखी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी को, जो फ्री के स्कीम को मुफ्त की रेवड़ी बता रहे हैं और इस तरह की राजनीति को वोट की राजनीति बता रहे हैं। जैसे ही मोदी का ये हमला बोलना था कि अरविंद केजरीवाल सामने आ गए और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की पोल पट्टी खोल कर रख दी। मैं बताता हूं आपको फ्री की रेवड़ी क्या होती है और मैं बताता हूं आपको इस देश में फ्री की रेवड़ी कौन बांट रहा है। एक कंपनी है बहुत बड़ी, उस कंपनी ने लोन लिया कई बैंकों से, खा गए वो लोन, बैंक दिवालिया हो गए और उस कंपनी ने एक राजनीतिक पार्टी को चंदा दे दिया कुछ चंद करोड़ रुपए का और उस कंपनी के खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप अपने दोस्तों के हजारों हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं, ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप विदेशों की यात्रा में जाते हैं और विदेशों की यात्रा के बहाने आप अपने चंद दोस्तों के लिए वहां ठेके लेते हैं विदेशी सरकारों से, ये फ्री की रेवड़ी है। तो सुना आपने अरविंद केजरीवाल को कैसे उन्होंने इस देश को बता दिया कि वो फ्री की स्कीम देकर आम लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, जबकि भाजपा और मोदी पूंजीपतियों के कर्ज को माफ करके मुफ्त रेवड़ी बांट रही है। दरअसल भाजपा का डबल स्टैंडर्ड उस वक्त सामने आ गया जब मोदी ने फ्री की स्कीम को मुफ्त की रेवड़ी बता दिया और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भर भर कर मुफ्त की स्कीमों का ऐलान किया था। भाजपा के उत्तर प्रदेश के मैनिफेस्टो पर आज तक ने खबर लगाते हुए लिखा था कि यूपी में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, मुफ्त 2 एलपीजी सिलेंडर, स्कूटी, किसानों को मुफ्त बिजली समेत किए ये वादे। तो भाई ये है भाजपा का असली दोगला चेहरा, जब वो फंसती है और लगता है कि वो चुनाव हारने वाली है तो मुफ्त की घोषणाएं करने लगती है ताकि गरीब वोटरों को बहकाकर वोट बटोरा जा सके। भाजपा मुफ्त का ऐलान करती है लेकिन वो उस ऐलान पर अमल नहीं कर पाती है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के फ्री बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी योजनाएं भाजपा और प्रधानमंत्री को चिंताएं बढ़ा रही हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के वार पर केजरीवाल का पलटवार आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अगर अब तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए।